जय हिंद दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास टेंथ में जो हम लोग अग्रवाल अनसोल्ड पढ़ रहे हैं जिसमें आज हम लोग आखिरी सेट करेंगे 2023 का आखिरी सेट है सेट सेवन ई बी आप लोग राजीव एच एम एक्स अरयंत कोई भी अनसोल्ड पढ़ रहे हो आप लोग सेट सेवन नहीं देखोगे केवल सेट आप लोग देखोगे ई बी ठीक आप लोग बहुत ज़्यादा ज्यादा बच्चों कमेंट्स आ रहे थे कि सर हम लोग जो प्रीवियस वीडियो देख रहे हैं दो हजार उन्नीस बीस की उसमें एम सी क्यू नहीं है बिल्कुल सही बात है उसमें पहले वो पुराने रिकॉर्डिंग वीडियोस है कुछ है ना छः सात महीने पहले के वीडियोस है इसमें क्या हुआ कि आप उस समय एम को नहीं रखे गए थे इस बार एम है इसीलिए आपको बता दें कि उसमें पब्लिकेशन वालों ने क्या किया पब्लिकेशन वालों ने अपने हिसाब से एम डाल दिया तो उसमें एम को सॉल्व करिए जो भी क्वेश्चन डाउट है बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे हैं उसका हम आंसर दे रहे हैं तो आप लोग भी कमेंट कीजिए जिसको भी डाउट है हम आंसर जरूर दे देंगे ठीक तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को हाँ पहला कौन भा संख्याओं का युग्म है सह आभा संख्या किसे कहते जानते हो जिसमें किसी संख्या से भाज ना जाए किस संख्या से भाग ना जाए उसे अभाज संख्या कहते हैं सह अभाज किससे कहते इसका मासा एक हो उसे उसेज कहते हैं देखो आपके पास चार ऑप्शन दे दिए गए हैं सभाज में एक दो तीन चार देखो सात या, या इक्कीस तो यह सभाज नहीं है क्योंकि इसका मासा तीन है क्योंकि सात या इक्कीस पांच या पंद्रह तो यह भी सयाबाज नहीं है इकतीस तिरानवे यह भी सयाबाज नहीं है इन दोनों का एस करोगे तो इन दोनों का एस सी आपके पास आ जाएगा एक अतः आप लोग कहोगे सयाभाज कौन सा है आपके पास ए पार्ट अठारह और पच्चीस स्याभाज है सयाबाज का मतलब समझ गए ना आप लोग जिसका एस क्या हो एक हो एस <laughs> क्या हो एक हो तो कौन सा ऑप्शन सही है आपके पास ए पार्ट इसी प्रकार आ, दूसरे में एक सौ चौवालीस के अभाजनखंड में, अभा, अभाज में अभाज ग में अभाज्य गुड़ की घातों की का योग है अभाज गुड़न का मतलब जान तो अभाज्य संख्या से काटोगे इसको एक सौ चवालीस को तो जैसे दूसरा नंबर है आपके पास दूसरा नंबर एक सौ चवालीस एक सौ चवालीस अभा संख्या से काटो इसको तो दो से काटो दो एक अभाज्य संख्या है लेकिन सम है दो सत्तर चौदह दो दो चार फिर दो से काटो दो तिया छह दो छिंक बारह फिर दो से काटो अठारह फिर छः से मत काट देना क्योंकि छः भाज है तीन से काटो तीचे अठारह फिर काटो तीन दूनी छः दो एकम दो <coughs> यहाँ पर समझना एक दो तीन चार तो दो की घात चार और इंटू एक दो तीन की घात दो इनका कहना क्या है घातों का योग तो चार प्लस दो अर्थात ठीक कौन सा ऑप्शन बी पार्ट कौन सा ऑप्शन बी पार्ट आपका एब्सोलूटली राइट right. हाँ एक चीज़ और ध्यान रखना कुछ बच्चों कमेंट आ रहे थे कि सर सर क्या अनसोल्व में भी आंसर गलत दिया था या बिल्कुल सही बात है अनसोल्व में भी आंसर गलत दे दिए जाते हैं ठीक है क्वेश्चन नंबर <coughs> तीसरा यम के किस मान के लिए समीकरण x माइनस दो बराबर तीन और देखो तीसरा नंबर में है स माइनस दो वाई बराबर तीन और तीन यक्स प्लस यम वाई बराबर एक का एक आदुतीय हल है आदुतीय हल का नियम आपको पता है ना आदितीय हल देखो आदुतीय हल की स्थिति आदुतीय हल में ए वन बटे ए टू इज नॉट इक्वल्स टू बी वन बटे बी टू यानी प्रतिच्छेद करती है अद्वितीय हल है यही चीज़ है ठीक है तो यहाँ पर हम लोग यक्स का मान क्या एक्स गुणा में कौन है एक तो एक बटे इस रक्स गुणा में तीन नॉट इक्वल्स टू माइनस दो और बटे यम ठीक है तो ये हो जाएगा यम एकम यम माइनस तीन दूनी तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा सी पार्ट तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारे पास सी पार्ट क्लियर क्लियर हाँ क्वेश्चन नंबर चार क्वेश्चन चार नंबर में है दो एक प्लस तीन बाई बारह और माइनस दो बाई ब दो का हल होगा तो इसको चाहे प्रतिस्थापन विधि से लगा दो चाहे विलोपन विधि से लगा दो और चाहे वज्र कोखंड विधि से लगा लो चौथा नंबर आप हो आप लोग लगा लोगे पाँचवा नंबर में के, के किस मान के लिए समीकरण के अनेक हल हैं देखो पांच नंबर पाँच नंबर में है इस प्रकार से है कि एक प्लस के वाई यक्स प्लस के वाई बराबर एक और एक है के एक्स प्लस वाई बराबर के स्क्वायर अनेक हल के लिए क्या करते जानते हो अनेक हल की स्थिति आपको बताते हैं अनेक हल की स्थिति ए वन बटे ए टू बी वन बटे बी टू सी वन बटे सी टू तीनों बराबर हो तो उसे कहते अनेक हल <coughs> इसके एक, तो एक बटे बटे एक, एक बटे स्क्वायर हाँ तीनों ले लो चाहे जो ले लो के, के किस मान के लिए समीकरण का अनेक हल है देखो इन दोनों का ले ले। इन दोनों को ले रहे हैं हम यहाँ पे इसको गुणा करो तो एक कम एक यहाँ पे गुणा करो के तो के स्क्वायर बराबर एक अर्थात के बराबर प्लस माइनस एक कौन सा ऑप्शन सही है हमारे पास बी पार्ट ठीक क्वेश्चन नंबर आप लोग छ को देखो छ को देखो छ में है छ में है एक बटे यक्स स्क्वायर माइनस दो बराबर एक बटे सात तो इसमें आप लोगों का कहना है इनका कि किस का मान ज्ञात करो तो इसके तो साथ गुणा करोगे तो यक्स स्क्वायर माइनस दो सात एकम सात पच्छात करो नौ तो यक्स बराबर है, हमारे पास हो जाएगा प्लस माइनस तीन कौन सा ऑप्शन सही है सी पार्ट ठीक है देखो क्वेश्चन नंबर आपके पास आठ आठ में है कि मूल बराबर है तो के का मान याद कीजिए हमने पीछे एक्सरसाइज जो सेट आपका सिक्स है उसमें ई ए, ए में हमने विबितकर को छोड़ दिया था बहुत से बच्चों कमेंट आ गए थे कि सर विबितकर को आप मत छोड़िए उसको हल करके दे दीजिए तो बिबितकर फिर से है उसको हल करके दे दे रहे ठीक है थीके? तो यहाँ पर तीन एक्स स्क्वायर माइनस बारह एक्स तीन एक्स स्क्वायर माइनस बारह एक्स प्लस के बराबर जीरो के मूल बराबर हो तो के कमान कीजिए इसे कहते हैं ए ए बराबर तीन बी बराबर माइनस बारह सी बराबर के ठीक है तो यहाँ पर विवितकर का फार्मूला लगा दोगे विवितकर <coughs> हमारे पास होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर जीरो ठीक है क्योंकि मूल बराबर है ना तो b के जगह लिखो माइनस बारह तो माइनस बारह का स्क्वायर माइनस चार इंटू तीन इंटू के तीन इंटू के बराबर जीरो पचहत्तर कर दो तो माइनस बारह के और प्लस एक सौ चवालीस इससे कैंसिल बारह बारह में एक सौ चवालीस तो के बराबर बारह कौन सा आंसर हमारा पहला हमारा पहला ऑप्शन हमारा ठीक है इसके बाद क्वेश्चन नंबर नौ दो आकृतियां जिनके आकार समान हो आकार समान हो परंतु अमाप आवश्यक रूप से समान ना हो मतलब आकार तो समान हो लेकिन उसकी मापे कोई जरूरी नहीं है कि समान हो तो उसे उस आकृति को हम लोग क्या कहते हैं समरूप आकृति देखो जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर आपका आठ उसके बाद नौ जैसे मान लो इसे देखकर आप लोग क्या कहोगे तो इसे देखकर भी आप लोग कहोगे कि यह एक त्रिभुज है और इसे देखकर भी आप लोग क्या कहोगे कि यह भी एक त्रिभुज है तो फिर क्या इन दोनों की भुजाएं बराबर है अगर ये पाँच सेंटीमीटर है तो ये ढाई सेंटीमीटर है तो भुजाएं तो बराबर है नहीं तो हम लोग कहेंगे कि इनकी जो मापे हैं वो बराबर नहीं है मापे जो है ये बराबर नहीं है तो इसीलिए हम लोग यह आकार में देखो बराबर है लेकिन माँ पे बराबर नहीं है तो इस ऐसी आकृति को हम लोग कहते हैं समरूप आकृति क्या कहते हैं समरूप आकृति समरूप आकृति कहते हैं समरूप मतलब एक जैसे रूप तो समरूप आकृति कौन सा ऑप्शन सही है आपके पास बी पार्ट ठीक बी पार्ट आपका सही है अब यहां पर कुछ आपको डिस्कस कर देते हैं कि सर्वांगसम के बारे में सर्वांगसम का मतलब होता है दोनों के दोनों के आकृति का आकार और माप दोनों बराबर हो जैसे दोनों के दोनों त्रिभुज अगर पांच पांच सेंटीमीटर हो तो ही हम लोग सर्वांगसम कहेंगे ठीक <coughs> क्वेश्चन नंबर दस यदि दो हम लोग की संगत भुजाए तो यह वाला क्वेश्चन तो हर एक सेट में सातों के सातों सेट पर पूछ दिया गया है तो संगत भुजाए हमारे पास त्रि अनुपात पांच के अनुपात में क्षेत्रफलों का अनुपात तो हमें पता है कि क्षेत्रफलों का अनुपात भुजाओं के वर्गों के अनुपात के प्रभाव होता है

समरूप त्रिभुजों के परिमाप दस सेंटीमीटर पंद्रह सेंटीमीटर क्षेत्रफलों का अनुपात आप लोग याद कीजिए तो अभी देखो अभी सेम टू सेम वही क्वेश्चन दस बटे पंद्रह करना दस बटे पंद्रह करना ठीक है चलो बताते हैं इसको बारह नंबर <laughs> बारह नंबर में है एक समरूप त्रिभुजों के परिमाप समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः दस सेंटीमीटर और पंद्रह सेंटीमीटर है तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात आप लोग ज्ञात करके इन्हें दीजिए क्षेत्रफलों का अनुपात तो ये हमारे पास परिमाप है दस और पंद्रह इसे काटो पांच दूनी दस पांच पंद्रह दो, दो बटे तीन ठीक अब ये तो हम लोगों ने भुजा ज्ञात कर ली ये हम लोगों ने क्या ज्ञात के लिए भुजा अब इसके हम लोग कहेंगे क्षेत्रफलों अगर बात दो वर्ग चार और तीन वर्ग नौ तो कौन सा ऑप्शन आप लोग सही करोगे आपका बी पार्ट बी पार्ट बी <laughs> पार्ट सही होने के बाद हम लो करें लोग करें क्वेश्चन नंबर तेरह टेंथ थीटा का मान दिया गया कौन थीटा का मान आप लोग याद करोगे क्या पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लोगे तो आई होप आप लोग निकाल लोगे पाइथागोरस प्रमेय से नहीं निकल पाओगे टेंथ थीटा का आठ बटा पंदा तो एक समकोण त्रिभुज बना लोगे और लंब बटा आधा लगा दोगे अच्छे से याद कर लोगे हमें ये पता क्वेश्चन चौदह देखो क्वेश्चन चौदह आप लोग कैसे निकालोगे चौदह नंबर चौदह नंबर में है कि दो कॉस तीन थीटा बराबर एक ठीक है तो थीटा का मान आप लोग याद करोगे काम क्या करेंगे हम लोग इस दो को बटे में पहुंचा देंगे तो कॉस तीन थीटा बराबर एक बटे दो ये कॉस साठ का मान है तो कॉस तीन थीटा बराबर कॉस साठ से कॉस कैंसिल तो तीन थीटा बराबर साठ तीस बीसम साठ ठीक है तो हम लोग कहेंगे थीटा बराबर बीस अंश कौन सा ऑप्शन सही है आपके पास सी पार्ट कौन सा सही है सी पार्ट. पंद्रह नंबर दो व्र दो व्रतों की परिधियों का अनुपात तीन अनुपात दो है तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात तीन का वर्ग नौ दो का वर्ग चार दैट्स प्रूफ नौ अनुपात चार डी पार्ट सही है पंद्रह सोलह नंबर में यदि एक समान त्रिज्या के दो अर्ध गोले उनके आधारों को जोड़ दिया जाता है तो नए ठोस का क्षेत्रफल आप लोग ज्ञात कीजिए यदि एक समान आर के दो अर्ध गोलों के उनके आधारों को जोड़ दिया दो अर्ध गोलों को तो अर्ध गोले को जोड़ दोगे तो पूरा एक गोला आप लोग बना लोगे तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है चार पाई आर स्क्वायर जो कि आंसर होगा पहला सत्रह नंबर निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र प्रवृत्ति की माप नहीं है तो केंद्र प्रवृत्ति की माप आप हमने इसके प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन पूछ दिया गया था ये प्रीवियस सेट में सेट सिक्स में तो उसमें भी आपको बता दिया था केंद्र प्रवृत्ति की माप हमारे पास कौन कौन से है माध्य है माध्यिका है माध्यिका को माध्यक भी कहते हैं और बहुलक है ठीक तो इन तीन जो है ये तीन चीजें केंद्र प्रवृत्ति की माप है तो देखो केंद्र प्रवृत्ति की माप हमारे पास कौन कौन से है माध है माध्यिका है बहुलक है मानक विचलन नहीं है तो मानक विचलन हमारे पास आंसर हो जाएगा एक से नौ तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माद होगा देखो अठारह नंबर अठारह नंबर अठारह नंबर में हम लोग जानते पदों का योग बटे पदों की संख्या समांतर माद तो इसको बार बराबर एक से नौ तक तो एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ बटे नौ ठीक है तो ये आ जाएगा आपके पास ऐसा तो नहीं सम समम की बात कही गई हो नहीं सम समम की बात नहीं की गई है देखो ये हो गया दस बीस तीस चालीस फिर से गर, दस बीस तीस चालीस पैंतालीस तो पैंतालीस बटे नौ नौ पना पैंतालीस तो यक्स बार बराबर पाँच तो ऑप्शन है पहला ही ऑप्शन है हमारे पास तो पहला ही ऑप्शन आपके पास सही हो गया ठीक है तो चलो आगे क्वेश्चन से पहले आप लोग इतने को शॉर्ट कर लो तो 19 नंबर में है यदि किसी बारम्बार था भंटन की माध्यिका देखो ये क्वेश्चन ऐसा कोई सेट नहीं है हमने सोचा कि आखिरी सेट में को ना पूछ दिया जाए तो हर एक सेट में ये क्वेश्चन पूछ दिया गया है केवल इसके डिजिट चेंज है उन्नीस नंबर माध्यिका बराबर सोलह तो माध्यिका बराबर सोलह और माद बराबर पंदा माद बराबर पंदा और बहुलक आप लोग ज्ञात कीजिए इस फार्मूला को एकदम मस्त तरीके से याद कर लीजिए क्योंकि इस फार्मूले से क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है तो बहुलक बराबर बहुलक बराबर तीन इंटू माधिका माइनस दो इंटू माध तो यहां पर आप लोग बहुलक ज्ञात कर रहे हो तीन इंटू माधिका की जगह लिखोगे सोलह माइनस दो इंटू पंदा सोलह तिया अड़तालीस पंद्रह दूनी तीस तो ये हो गया अठारह जो कि आंसर है बी पार्ट <coughs> अब देखो क्वेश्चन नंबर बीस प्रथम दस प्राकृतिक संख्याओं की मादिका होगी देखो प्रथम दस प्राकृतिक संख्याओं की मादिका तो बीस नंबर में एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस <coughs> तो समझना सबसे पहले इसको हम लोग आरोही क्रम लिखते हैं मादिका के लिए सबसे पहले इसको आरोही क्रम में लिखते हैं सबसे पहले लिखो दस ठीक दस नौ आठ सात छ पाँच चार तीन दो एक ना लिखो तब भी कोई दिक्कत नहीं इस क्वेश्चन में अब माध्यिका बराबर हमारे पास देखो सबसे पहले देखो इसमें गिन लेते यन बराबर हमारे पास दस है यन बराबर दस है जो कि है सम सम के लिए फार्मूला क्या होता है माध्यिका? माध्यिका तो माध्यिका को लिखते हैं हम लोग यम से हाँ तो एन वाई टू बे पद का मान पद का मान प्लस एन वाई टू प्लस वन बे पद का मान मान बटे दो इस क्वेश्चन में ऐसे आरोप ना लू तो भी को दिखा नहीं हाँ <coughs> यहां पर समझना यम बराबर एन वाई टू यानी दस तो दस बटे दो वा पद प्लस दस बटे दो प्लस वनवा पद बटे दो तो यम बराबर हम लोग कहेंगे पांचवा पद प्लस क्योंकि काटोगे पांच काटोगे पांच और एक तो हम लोग कहेंगे छठा पद बटे दो यम बराबर गिनो एक दो तीन चार पांच और तो पांच प्लस छ बटे दो छठा पद पाँच है ना तो ये हो जाए ग्यारह बटे दो तो साढ़े पाँच तो यम बराबर हम लोग कहेंगे साढ़े पांच मतलब हमारे पास डी पार्ट सही है कौन सा सही है हमारे पास डी पार्ट तो एम सी तो हम लोगों ने खत्म कर लिया है अब हम लोग आते बिस्तर उत्तरी प्रश्न ऑप्शन नंबर क्वेश्चन पहला <coughs> तो हम लोग लिखेंगे उत्तर पहला पहले का करेंगे हम लोग का तो सिद्ध कीजिए कि पांच प्लस अंडरवुड तीन एक अपर में संख्या है देखो परमे अपर सबसे पहले इसके दो ही स्टेप है तो हमने बता दिया देखो सबसे पहले तो उसको मानोगे माना पांच प्लस अंडरवुड तीन एक परमे संख्या है जो कि हम लोगों ने गलत मान लिया है परमे संख्या है क्यों परमे संख्या थोड़ी है या परमे है तो परमे संख्या है संख्या है ठीक परमे संख्या जिसे p बटे q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं परिमेय संख्या में q इज नॉट इक्वल्स टू हमेशा जीरो अब एक चीज ध्यान रखना कि यहां पर हम लोग क्या करते हैं इस पांच को उधर पक्षांतर कर देते तो अंडर रूट तीन बराबर पी बटे क्यू माइनस पांच अंडर रूट तीन क्या है एक अपरिमेय संख्या है तो अंडर रूट तीन एक क्या है अपरिमेय संख्या है तो हम लोग कहेंगे यह हमारी विरोधा भाष त्रुटिपूर्ण के कारण है अतः अंडर रूट ने पाँच प्लस अंडर रूट तीन एक आपर में संख्या है क्या है एक अपर में संख्या है <coughs> प्लस माइनस बाले में हम लोग क्या करते हैं बस कल्प अच्छांतर ही करते हैं प्लस माइनस बाले में ठीक है और अगर हमारे पास इनटू में है तो फिर हम लोग लॉन्ग मेथड से करते हैं उसके दुर्पच वर्क वगैरह करते हैं इसमें दुर्पच्च वर्क करने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन नंबर एक का खा देखो तो उत्तर लिखोगे एक का खा उत्तर एक का खा एक के खां में है कि कॉस ए बराबर अंडर रूट तीन बटे दो कॉस ए बराबर अंडर रूट तीन बटे दो तो साइन टू ए का मान आप लोग ज्ञात कीजिए साइन टू ए का मान आप लोग ज्ञात कीजिए तो देखो सबसे पहले कॉस ए सबसे पहले तो आपको यहाँ पता होना चाहिए कि कॉस ए बराबर ये कॉस तीस का मान है कॉस से कॉस कैंसिल तो ए बराबर तीस अर्थात यहां पर हो जाएगा साइन टू ए बराबर साइन टू इंटू थर्टी तो ये आ जाएगा साइन साठ और साइन साठ का मान होता है अंडर रूट तीन बटे दो जो कि यही आंसर हो गया <coughs> देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग एक का ग एक का गा देखो ठीक है तो आप लिखोगे उत्तर एक का गा।, एक के गा में क्या है कि सिद्ध कीजिए कि बेलन के आयतन का दुगुना समझते जाना बेलन के आयतन का, का दुगुना तो दो इंटू बेलन का आयतन बेलन का आयतन का दुगुना उसके पृष्ठ और त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है बेलन के आयतन के दुगुना उसके वक्प्रष्ट और आधार के त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है तो समझना बराबर बेलन का वक्रप्रष्ट इंटू त्रिज्या ठीक <coughs> इंटू त्रिज्या बेलन का आयतन क्या होता है <coughs> दो और पाई आर स्क्वायर एच बेलन का एच प्लस इंटू त्रिज्या क्या है आर तो यह हो जाएगा टू पाई आर स्क्वायर एच बराबर टू पाई आर स्क्वायर एच बस यही इनका कहना था <coughs> यही सिद्ध करना था अब देखो उत्तर एक का घा, एक की, घा में की गणना कीजिए देखो उत्तर एक का घा एक का घा में माध्यिका की गणना कीजिए हम्म तो उत्तर एक का घा तो इसमें है वर्ग अंतराल हमारे पास है जीरो से दस दस से बीस बीस से तीस तीस से चालीस चालीस से पचास <kling> दो आठ तीस यफ दो आठ तीस पंदा पाँच पंदा पाँच इसमें हम लोग संचय बारम्बार निकालते हैं दो दस चालीस पचपन साठ संचय बारम्बार तक को जोड़ते रहते हैं दो आठ दो दस दस तीस चालीस चालीस पचपन और साठ यहाँ पर हम लोगों से इनका कहना है कि माध्यिका गैद कीजिए तो माध्यिका बराबर फार्मूला क्या होता है जानते हो मादिका लिखो यम से यम बराबर यल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बटे यफ इंटू यच <coughs> समझना इसमें तो आपके पास सबसे अधिक दो कौन है एक दो तीन एक दो तीन तो ये तीस तीस सबसे अधिक है तीस हो गया यफ इसके ये यल ऊपर है हमारे पास सी एफ और यच बराबर हमारे पास कितना है दस 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 का अंतर है ठीक है तो ये हो जाएगा यम बराबर यल यल का मन हमारे पास है बीस प्लस यन बाई टू ये हमारे पास है यन तो साठ साठ का आधा तीस माइनस सी एफ सी एफ हमारे पास है दस बटे यफ हमारे पास है तीस इन टू यच हमारे पास है दस दस या तीस तो यह हो जाएगा बीस प्लस ये घटा देंगे तो बीस बटे तीन तो यह हो जाएगा बीस प्लस तिछक अठारह और तिछक अठारह ठीक है तिछक अठारह और तिछक अठारह एक का घा तो हमारे पास इन दोनों को जोड़ दो तो हमारे पास हो जाएगा बीस दशमलव एक संख्या का आवृत्ति कर लो बार बार छः छः जब भी एक संख्या की आवृत्ति हो तो एक हम लोग जोड़ के उसको पुलिस स्टॉप लगा देते तो उसमें छः 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 को रोकने के लिए फुल स्टॉप लगा दिया साथ से हम लोग तो चलो शॉर्ट कर लो इतने क्वेश्चन नंबर देखो एक का इंग्या उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु को मिलाने में दोन पद एक के अनुपात विभाजित करती है देखो कल फार्मूले तक आप बता दे रहे ठीक है इसको आप लोग लगा लोगे हमें पता है <laughs> लगा लोगे आप लोग देखो केवल हम फार्मूले तक आपको बता दे रहे एक का यह है बिंदु हमारे पास है माइनस एक सात और चार कॉमा माइनस तीन ये एक्स वन वाई वन एक्स टू और दो अनुपात तीन दो अनुपात तीन तो ये एम और ये एम टू ठीक है यहां पर उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए यानी आप लोग फार्मूला लगा दोगे देखो फार्मूला लगा दोगे निर्देशांक के लिए हाँ ये हो जाएगा एम वन एक्स टू प्लस एम टू यक्स वन बटे एम वन प्लस एम टू म वन वाई टू प्लस यम टू वाई वन वन प्लस यम टू बस इसमें मान रख देना और आंसर कर लोगे के के किस मान के लिए एक ही रेखा पर होंगे के किस मान के लिए बिंदु एक ही रेखा पर होंगे देखो बिंदु हमारे पास क्या क्या है एक का चार नंबर उत्तर ए का चाह तो इसमें हमारे पास है के माइनस वन और दो और एक चार और पांच ठीक है देखो यहां पर आप लोग चाहो तो बीच की दूरी से लगा सकते हो एक ही रेखा के लिए हम बीच की दूरी से नहीं रहे हम त्रिभुज के क्षेत्रफल से लगा दे रहे आपको त्रिभुज क्षेत्रफल बराबर अगर जीरो आ जाए तो एक ही रेखा पर है और अगर एक ही रेखा पर आप लोग के का मान पूछ दिया जाए तो बराबर जीरो लेते हैं दो कैसे सबसे पहले एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू एक्स थ्री वाई थ्री समझना तो त्रिभुज का क्षेत्रफल तो ये होता है एक बटे दो एक्स वन वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू वाई थ्री माइनस वाई वन एक्स थ्री वाई वन माइनस वाई टू बराबर जीरो बराबर जीरो वाले में एक बट दो नहीं लिखो लिखने की जरूरत नहीं है एक्स वन की जगह लिखोगे के वाई टू की जगह लिखोगे एक वाई थ्री की जगह लिखोगे पांच एक्स टू की जगह लिखोगे दो वाई थ्री की जगह लिखोगे पाँच वाई वन के यहाँ पर वाई टू हमारे पास एक है ठीक है और वाई थ्री पाँच है वाई वन हमारे पास माइनस एक है तो प्लस एक एक्स थ्री है चार वाई वन है हमारे पास माइनस एक वाई टू है हमारे पास एक बराबर जीरो ये हो गया माइनस चार के पाँच एक छः छः दूनी बारह माइनस माइनस दो माइनस आठ बराबर जीरो यहाँ पर माइनस चार के प्लस चार बराबर जीरो पच्छांतर कर दो तो के बराबर आप लोग कहोगे एक क्योंकि पच्छांत लगा के देखो तो एक कच्चा है तो के बराबर एक तो यही हमारे पास हो जाएगा फाइनली आंसर ठीक है यही हमारे पास हो जाएगा फाइनल आंसर अब देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर दूसरा निम्नलिखित पांच खंडों को हल कीजिए हो सकता है हम सभी को खंडों को हल कर दे आप लोग बोर्ड एग्जाम के पांच खंडों को ही हल करना ये देखो तो एग्जाम काट दे ठीक है दूसरे का तो उत्तर दूसरे का का उत्तर दूसरे का का कुछ स्टूडेंट्स हमारे क्या करते हैं कि कठिन क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं देखो कठिन क्वेश्चन को नहीं करेंगे हम लोग सरल क्वेश्चन करेंगे कठिन क्वेश्चन करेंगे तब भी पाँच नंबर और सरल क्वेश्चन करेंगे तब भी पाँच नंबर ठीक है मतलब पाँच नंबर बता रहे हैं जो भी नंबर है चार नंबर दो नंबर तीन नंबर तो पांच खंडों को हल कीजिए तो जो सरल सरल क्वेश्चन है उसी को हल करो जल्दी हल कर पाओगे जल्दी हल कर लोगे और नंबर उतना ही पाओगे ठीक है नहीं है <laughs> कुछ गले में भी प्रॉब्लम है फिर भी क्लासे ले रहे हैं देखो हमारे पास दूसरे काम है क्या है दो पासों को एक साथ उछाला जाता है निम्न के आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए तो पासे के अंक सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए तो पासे के अंक बराबर तो हम लोग कहेंगे पासे के अंक तो पासे के अंक होते हैं छह कौन कौन से एक दो तीन चार पांच और ठीक है अब समझना पहला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है <coughs> दो पासे को एक साथ उछाला जाता है निम्न आने की प्रयट करती है दोनों पासे पर एक ही अंक आए दोनों पासों पर एक ही अंक आए सबसे पहले तो देखो दो पासे को एक साथ उछाला जाता है दो पासों पर एक साथ उछालने का हां <coughs> तो दोनों पासे को दोनों पासे को एक साथ उछालना तो उछालना तो उछालने का तरीका तो उछालने का तरीका हमारे पास देखो ये होता है छ इंटू छे, तो ये हो जाएगा छत्तीस तीन छ तो तो बार, बार इंटू छ इंटू छ चार बार छ इंटू छ इंटू छे सिक्का हो चाहे पासे हो ठीक है अब इनका कहना है पहले पर दोनों पासों पर एक ही अंक हो तो कंडीशन नंबर पहला में है दोनों पासों पर एक ही अंक हो तो एक ही अंक हो दोनों पासों पर छह अंक हो जाएंगे तो प्रातक अनुकूल परिस्थिति बेटे कुल प्रस्थिति तो कुल हमारे पास कितना है छत्तीस तो छम छत्तीस तो एक बटे छ ये तो हो गया पहले के लिए आंसर इसके बाद दोनों पासे पर भिन्न भिन्न अंक हो तो जब भिन्न भिन्न अंक हो तो भिन्न भिन्न के लिए हम लोग एक ही अंक ना हो ना वाले के लिए एक से घटाते तो एक माइनस एक बटे ठीक तो छः छः से एक घटा लो तो पांच बटे तो ये हो गया इसके लिए आंसर ठीक है <laughs> अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग दूसरे का खा दूसरे का खा नंबर में क्या है दूसरे खा में दो अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग नौ है और यदि संख्या के अंक को उलट दिया जाए तो नई संख्या वाली बनने वाली मूल संख्या से तरह अधिक हो संख्या गति तो कीजिए दो क्वेश्चन हम लोग करेंगे दूसरे का खा उत्तर दूसरे का ख दूसरे का खाम एक चीज ध्यान रखना इसमें हमने एक चीज दिखाया नहीं आप लोग दिखा रहा तो दिखा सकते हो ठीक है दिखाने की जरूरत हमने डायरेक्ट छत्तीस लिख दिया हमने जैसे एक ही अंक तो एक कमा एक एक ऐसे करते करते हम लोग दो क्या उन्होंने दोनों पासों पर एक ही अंक तो एक कमा एक दो तीन तीन ऐसे आप लोग दिखा सकते हो ठीक है तो हमने ऐसे नहीं दिखाया अगर वो दिखाना चाहो दिखा सक, दिखा सकते हो हमने डायरेक्टली इसका गुणा कर लिया हम लोगों ने ठीक है अब देखो तो दूसरे दूसरे में क्या दो, दो अंकों से जब भी दो अंकों की बात की जाए तो सबसे पहले आप लोग मान लोगे क्या मानोगे समझना माना दहाई का अंक बराबर यक्स तथा इकाई का अंक बराबर बॉय संख्या बराबर सूत्र है दस यक्स प्लस वाई ये तीन चीज करोगे प्रथम तो अब देखो इनका जो कहना है हम वही करेंगे दो अंकों से बने किस संख्या का अंकों का योग नौ है तो यक्स प्लस वाई बराबर नौ समीकरण डाल दो एक यदि संख्या के अंक उलट दिए जाए संख्या के अंक उलट दिए जाए तो नई बनने वाली संख्या मूल संख्या सत्ताईस अधिक होगी उलटने पर देखो तो उलटने पर दस बॉय प्लस एक्स लिखोगे तो जो नई संख्या मूल संख्या से तो दस बॉय दस एक्स प्लस बॉय मूल संख्या से सत्ताईस अधिक होगी तो सत्ताईस दोनों को पच्छांतर करो इधर तो एक काम करते तो ये जगह दस वॉय माइनस वॉई प्लस माइनस दस एक्स बराबर सत्ताईस तो घटा लो इन दोनों घटाओगे तो माइनस नौ इन दोनों तो प्लस नौ बाई बराबर सत्ताईस माइनस नौ जो है ये कॉमन है तो यह जाएगा यक्स माइनस वॉई बराबर नौ सत्ताईस समीकरण होगा दो समीकरण एक और दो को जोड़ने पर क्योंकि अलग अलग चिन्ह है तो यक्स प्लस वाई बराबर नौ और यक्स माइनस वाई बराबर माइनस तीन ये कैंसिल दो एक बराबर छः दो छः तो छो बराबर तीन यक्स बराबर जो तीन है वो समीकरण एक में या दो में रख दो कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें तो तीन जब रख दोगे तीन प्लस वाई बराबर नौ तो वाई बराबर हो जाएगा छः तो संख्या क्या हो जाएगी संख्या बराबर तो संख्या बराबर दस इंटू यक्स की यक्स जगह हमारे पास क्या है तीन और प्लस बॉय की जगह छ तो संख्या क्या हो जाएगी संख्या हो जाएगी दस या तीस और छत्तीस ठीक है क्वेश्चन नंबर देखो आप दूसरे का ग दूसरे गा में है तीन ऐसे क्रमागत तीन ऐसे क्रमागत धन पूर्णांक इस प्रकार है कि प्रथम के वर्ग दूसरे और तीसरे के गुणनफल के योग फल के एक में है तो ज्ञात कीजिए फिर से एक बार समझना <laughs> तीन ऐसे क्रमागत धन पूर्णांक इस प्रकार है तो तीन क्रमागत देखो तो तीन क्रमागत संख्या कैसे कैसे लिखोगे उत्तर दूसरे का गा तीन क्रमागत संख्याएं यक्स यक्स प्लस एक और यक्स प्लस दो ठीक है इनका कहना है प्रश्नानुसार इनका कहना है समझते जाना इनका कहना क्या है प्रथम पूर्णांक के वर्ग प्रथम पूर्णांक का वर्ग तो क्स स्क्वायर तो दूसरे और तीसरे गुणनफल का योगफल दूसरे और तीसरे गुणनफल का योगफल तो यानी प्लस वन और प्लस दो का गुणनफल का योगफल फल एक सौ इक्यानबे है तो बराबर एक सौ इक्यानबे तो इन कीजिए देखो सबसे पहले ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर इन दोनों का गुणा करोगे तो हो जाएगा यक्स स्क्वायर इनके साथ गुड़ा करोगे तो प्लस का ये जो जाएगा तीन एक्स डायरेक्ट करते हैं थोड़ा सा तो डायरेक्ट करते हैं इसमें यह एक्स इन दोनों को गुणा करेंगे तो एक्स तो यह हो जाएगा दो एक्स स्क् दो और एक ये हो जाएगा तीन एक्स प्लस दो ठीक और माइनस एक सौ इक्यानवे बराबर जीरो ठीक है ना एक बार ये कर लेते हैं एक्स स्क्वायर तो यह दो एक्स और, एक एक एक्स तीन एक्स और दो एकम दो ठीक है तो यह हो जाएगा दो एक्स स्क्वायर प्लस तीन एक्स और घटा लेंगे तो माइनस बचेगा एक सौ नवासी बराबर जीरो एक सौ नवासी का गुणा हम लोग करेंगे दो में तो नौ दूनी अठारह बचा एक और आठ दूनी सोलह और एक सत्रह दो और एक तीन तीन सौ अठहत्तर फिर से एक बार नौ दूनी अठारह बचा एक आठ दूनी सोलह सत्रह अस्सी बचा एक दो एक तीन ठीक है तो काटो के तो एक सौ नवासी तीन से काटो तीन छक अठारह तीन तिरनौ फिर तीन से काटो तो तीन दोनों छ और तीन से काटो तीन सात इक्कीस और फिर सात एकम सात क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा था क्वेश्चन था आपका दूसरे का गा दूसरे का गा अब देखो यहाँ पर हमारे पास हमें लाना है तीन ठीक है तो तीन तो सात तिया इक्कीस और दो तिया छ छह तीन अठारह देखो अठारह और इक्कीस तीन आ जाएगा आपके पास अठारह और इक्कीस तो यह जाएगा दो एक स्क्वायर प्लस अठारह एक्स माइनस नहीं पहले इक्कीस करो इक्कीस एक और अठारह एक माइनस एक सौ नवासी बराबर जीरो तो, तो इन दोनों में एक कॉमन तो दो एक प्लस इक्कीस इसमें नौ कॉमन तो हो जाएगा दो एक प्लस इक्कीस बराबर जीरो देखो एक बराबर नौ आ जाएगा तो हम डायरेक्टली संख्या लिख दे रहे एक संख्या हमारे पास नौ एक संख्या नौ और एक दस और एक हमारे पास नौ दो ग्यारह यही आंसर हमारा थोड़ा सा कैलकुलेशन तो है जो कि आप लोग कर लेना ठीक है थोड़ा सा डायरेक्ट कर लिया हमने जगह की मैनेजमेंट तो शॉर्ट करो फिर आगे सॉल्व करते हैं हम लोग हैं अब देखो आप लोग क्वेश्चन नंबर करोगे <laughs> दूसरे का इंग्या नहीं दूसरे घा इंग्या और चा ठीक है वैसे कर लेते हैं ये तो हूँ तो आप लोग कर लेते हो इतना उम्मीद है इतने दोनों कर लेते हैं मैं फिर बता दे रहे इसको तो बताना ही पड़ता मैं इसमें क्या है चित्र में यदि बी डी और ए सी लंब है तो सी ई e और ए बी है तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए ई सी और डी ए त्रिभुज ए डी भी समरूप है तो ये हमारे पास दिया गया और ये समरूप है ये आप लोग प्रूफ करोगे सबसे पहले देखो यहाँ पर हमारे पास दो नब्बे अंश है एक हमारे पास ये भी नब्बे अंश के लिए है और ये भी नब्बे अंश पर है यहां पर देखो सबसे पहले हम लोग जो उपत्ति पर जाएंगे ये दिया है हम लोग लिख लिया से हम लोग लिख लिया पर जो आ जाएंगे तो हम लोग देखो ये रेखा नब्बे अंश पर है और ये रेखा नब्बे अंश पर है तो देखो ए ई बी तो हम लोग कहेंगे कि कोण ए बी देखो ए e, बता रहा सी है ए सी कोण ए डी बी कोण ए डी बी कितने अंश पर है नब्बे अंश पर है यहां पर भी दे दिया साफ साफ कि ये लंब है ठीक है तो ए सी e, ए डी बी कितने अंश पर है ये नब्बे अंश पर है इसके बाद कोण ए यहां पर देखो कोण ए कोण ए के बराबर है ई e, डी के बराबर है सी बी के बराबर है तो हम लोग कहेंगे यहां पर कोण ए जो है कोण ए के बराबर है जो कि उभयनिष्ठ है जो कि क्या है उभयनिष्ठ है अतः देखो यहां पर जब हमारे पास फिर से एक बार इस त्रिभुज को तोड़ लो ऐसे तोड़ो जरा तो ए सी सी फिर से इस त्रिभुज को ऐसे बना लो इस त्रिभुज को ए डी ई को तो यहां पर ए डी और बी ए डी और बी तो देखो दोनों समरूप त्रिभुज कि नहीं है तो कहेंगे किससे समरूप हो हमारे पास <coughs> इस एंगल से और इस एंगल से डबल से हुआ हमारे पास एंगल 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 से हुआ है तो कहेंगे समरूपता कसौटी किससे हुआ हमारे पास एंगल एंगल से अतः ये हमारे पास क्या है त्रिभुज ए सी e, समरूप है त्रिभुज ए डी बी के बस यही हमें सिद्ध करना था यही हमें सिद्ध करना था इति सिद्धम अब देखो समांतर माध्य से पूछ देगा था तो समांतर माध्य में हम लोग इतना करते ही है बर्गंतराल दिया गया था बारम पार्था दिया गया तुम्हारे पास यक्स निकाल लिया इन दोनों को जोड़कर आधा कर लिया हम लोगों ने सब में जोड़ जोड़कर आधा कर लिया और इन दोनों को गुणा कर लिया हम लोगों ने इसको ऐड कर लिया इसे ऐड कर लिया अब हमारे पास फार्मूला केवल बाकी है फार्मूला क्या होता है जानते हो क्स बार बराबर सिग्मा यफेक्स बटे सिग्मा यफ तो यहाँ पर एक बार बराबर सिग्मा एफ एक्स का मान है हमारे पास पंद्रह चालीस और सिग्मा यफ का मान हमारे पास है साठ बस हमें करना क्या है कैंसिलेशन करना है ठीक है क्वेश्चन नंबर हमारे पास दूसरे का इंग्या तो दूसरे का हमारे पास इंग्या हाँ ठीक है बस कैंसिलेशन बाकी है इसको कैंसिल करो इससे कैंसिल तो यक से बार बराबर छनी बारह बचा कितना हमारे पास तीन चौतीस तो छीस बचा कितना हमारे पास चार दसम लगाया जीरो बढ़ाया और चालीस छ छत्तीस यही तो हुआ फिर हमारे पास छः आता जाएगा तो एक संख्या आवृत्ति है तो साठ डाल दो बस इसी को आंसर कर लो इसी को आंसर कर लो अब देखो इसमें हमसे इनका कहना है कि बहुलक ज्ञात कीजिए दूसरे का चा में आप लोगों का कहना है कि बहुलक ज्ञात कीजिए बहुलक में सबसे अधिक कौन है सबसे पहले ये देखो <coughs> सबसे अधिक कौन है आर्ट है। तो इसे मान लो एफ वन इसके ऊपर वाले संख्या को एफ जीरो नीचे को लिखोगे एफ टू और सामने वाले संख्या को यल और यच हमारे पास कितने का अंतर है एक दो दो दो, दो, दो का अंतर है क्योंकि बहुलक का फार्मूला क्या होता है बहुलक का देखो फार्मूला हमारे पास ये होता है कि बहु लक ये होता है बराबर यल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो बटे टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इन टू एच ये बहुलक का फॉर्मूला है ठीक <coughs> है तो ये हो जाएगा हमारे पास यल का मान क्या है तीन प्लस एफ वन का मान हमारे पास क्या है आठ माइनस एफ जीरो का मान हमारे पास क्या है सात बटे <coughs> दो एफ वन तो दो एफ वन आठ दूनी सोलह एफ जीरो माइनस एफ टू तो इन दोनों को जोड़ोगे तो इन दोनों को जोड़ोगे तो नौ और इन टू दो तो तीन इन घटाओगे तो प्लस एक बटे इन दोनों घटाओगे तो सात इन टू दो तो यह हो जाएगा तीन प्लस भागने खाई जीरो तो जीरो उड़ाया बीस हो गया सात दूनी चौदह बच्चा कितना छत सात अठे छप्पन ठीक है सात अठे छप्पन तो हम लोग कहेंगे हमारे पास बहुलक बराबर क्या आ गया तीन दशमलव दो आठ जो कि यही है हमारे पास आंसर अब देखो दूसरे का ख़त्म क्वेश्चन नंबर तीसरा रैखिक समीकरणों को युग बदलकर बदल कर हल कीजिए एक चीज़ दोस्तों हम तो थोड़ा पीछे देख लेते हैं। सेट में क्या बदलने के लिए कह दिया था हम लोगों ने पीछे से मैंने डायरेक्ट किया था नहीं तीसरे का जो तो पीछे है जो सेट सिक्स में है उसको हल किया था हमने बदला नहीं था <laughs> उसमें नहीं कहा गया था कि युग्म को बदल लिए लिखा उसमें लिखा था युग को हल कीजिए इसमें और इसमें लिख दिया गया है युग्म को बदलकर हल कीजिए तो एक काम करते हैं बदल बदलकर हल कीजिए मतलब लॉन्ग मेथड है थोड़ा बहुत तो हम इसके अथवा को पहले कर देंगे ये सोच रहे इतने अथवा कर देंगे तो फिर उसको कर बताते हैं तो हम पहले तीसरे का अथवा कर लगा रहे हैं तो हम लोग लिखेंगे उत्तर तीन का अथवा ऊपर छोड़ नहीं रहे उसको बताएंगे अभी हाँ देखो दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 117 वर्ग मीटर है दो वर्गों के क्षेत्रफल दो वर्ग का क्षेत्रफल तो भुजा स्क्वायर हाँ तो यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग सत्रह उनके परिमापों का अंतर 12 है परिमाप तो बरिमाप वर्ग बर का परिमाप चार गुणा भुजा तो चार एक्स माइनस तो दोनों वर्ग की भुजाई गत कीजिए यहाँ पर चार ले लो कॉमन तो चार हो गया हमारे पास कॉमन तो ये हो जाएगा यक्स माइनस वाई बराबर इसको छांतर कर दो तो यक्स बराबर तीन प्लस वाई और इसे मान लो समीकरण दो इसे मान लो समीकरण एक और इसे समीकरण एक में रख दो यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा तीन प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक सौ सत्रह <coughs> खोलो तो ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक सौ सत्तर बराबर जीरो तो यह आ जाएगा दो वाई स्क्वायर ठीक है वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर यह हो जाएगा दो वाई स्क्वायर छ बाई वाई माइनस इन दोनों घटा लो तो कितना बचेगा एक सौ आठ तो एक सौ आठ बराबर जीरो ठीक है <coughs> तो हमारे पास दो हो गया कॉमन तो दो जब हम लोग ले लेंगे कॉमन तो बचेगा हमारे पास वाई स्क्वायर प्लस तीन वाई माइनस चौवन बराबर जीरो नौ छिक का चौवन हाँ तो वाई स्क्वायर प्लस छाई नौ वाई माइनस छः वाई माइनस चौवन बराबर जीरो इन दोनों में कॉमन लोग हैं तो ये छः तो हम लोग कहेंगे वाई बराबर हमारे पास छः और ये वाई का मान समीकरण हम लोग दो में रख देंगे तो हमारे पास दो में देंगे तो नौ तो यक्स बराबर नौ तो हम लोगों के पास आंसर आ गया है नौ यही हमारे पास हो जाएगा आंसर ठीक है नौ अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर चलो तीसरे का जो हमने छोड़ा नहीं उसको अभी करेंगे ठीक है तो उससे पहले आप लोग इतने को शॉर्ट कर लो दो क्वेश्चन नंबर अब हम लोग तीसरा करेंगे इसमें बदल कर करना है तो कैसे बदल करेंगे देखो सबसे पहले इसको बदलना कैसे सबसे पहले इसको मानते हम लोग इसमें मानते हैं हम लोग क्या मानते हैं एक बटे एक्स बराबर ए समीकरण ए एक बटे वाई बराबर बी समीकरण बी यहां पर एक बटे एक्स बना ए तो ये हो जाएगा एक बटे दो ए प्लस एक बटे तीन बी बराबर दो तो हो जाएगा तीन ए प्लस दो भी बराबर तीन दूनी छोनी बारह समीकरण एक यहां पर एक बटे तीन ए प्लस एक बटे दो बी बराबर तेरह बटे सोलह तेरह बटे सोलह है कि तेरह बटे छह है तेरह बटे सोलह है हो सकता है कि आपके बुक में साथ छह हमें ऐसा लग रहा है अनशॉट में सोलह है तो सोलह से ही हल करेंगे ठीक है वैसे समय छ यहाँ पर प्रतीत तो हो रही रहा कि छ होना चाहिए चलो जो है तो ये आ जाएगा दो ए प्लस तीन बी बटे दो तिया छ बराबर तेरह बटे सोलह एक चीज ध्यान रखना कि अनसोल्व में सोलह है इसलिए सोलह से लगा दे रहे हैं क्योंकि जब हमने एक्सरसाइज पढ़ाई थी आपको तो हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर भी छः था ठीक है तो छोड़ो यहाँ पर हम लोग इसको काट सकते हैं तीन आधा कर दो या आधा आठ तो यह आ जाएगा दो ए प्लस तीन बी बराबर हमारे पास तेरह तिस बटे आठ इसको कौड़ पहुंचा दो आठ दूनी सोलह ए आठ त्रिक चौबीस बी बराबर तेरह ततालीस समीकरण दो समीकरण एक और दो तो हम लोग एक काम करते समीकरण एक में बारह से गुणा बारह से गुणा और समीकरण दो से घटाने पर तो ये आ जाएगा हमारे पास तीन में इसमें गुणा कर बारह तीस छत्तीस ए प्लस बारह दूरी चौबीस बी फिर बारह बारह में एक सौ चवालीस एक सौ चवालीस सोलह ए माइनस चौबीस बी बराबर उनतालीस माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल ये हमारे पास जीरो दो बीस ए ये हमारे पास यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा एक समझना तो चौदह से बचा पाँच चौदह से बचा पाँच और तीन से जीरो एक सौ पाँच तो बटे में पहुँचा दो तो ए बराबर एक सौ पाँच बटे बीस एक सौ पांच बटे बीस तो ए बराबर काटो इसको पांच दूनी दस पांच एक कम पास पाँचों को बीस तो इक्कीस बटे चार हम चेक कर ले रहे हैं क्या आंसर आ रहा है इसमें तो यहां पर चार बटे इक्कीस अगर नहीं आ रहा तो हम छह से कर दे रहे ठीक है क्वेश्चन नंबर आपको कौन सा था तीसरा हाँ ठीक है आंसर सही है आपका ठीक मतलब यहाँ पर छोलह ही है तो देखो अब हम लोग यहाँ का इसका मान हम लोग कहाँ रख देंगे समीकरण समीकरण रख दो एक में जब एक में रखोगे <स्थाथ> तो एक कहाँ यहां पर है एक तो यहां पर रखो तीन इंटू इक्कीस बटे चार प्लस दो बी बराबर बारह <स्थाथ> इक्कीस में इक्कीस रखे इक्कीस तिरसठ पच्छाता कर दो तो दो बी बराबर बारह माइनस तिरसठ बटे चार तो दो बी बराबर बार चौक अड़तालीस माइनस तिरसठ बटे चार घटा लो तो तेरह से बचा पांच तेरह से बचा पांच पांच से बचा एक बटे चार तो बी बराबर आ जाएगा हमारे पास माइनस पंद्रह बटे आठ बी बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा पंद्रह बटे आठ अब देखो ए का मान हम लोग रखते हैं समीकरण ए तथा बी का मान समीकरण हम लोग बी में रखते हैं तो बी में रखने पर तो ए क्या है एक बटे यक्स तो एक बटे यक्स बराबर हमारे पास इक्कीस बटे चार तो इसे उल्टा कर दो इसे उल्टा कर दो बराबर हमारे पास हो जाएगा इक्कीस बटे चार चार बटे इक्कीस चार बटे इक्कीस तो हमारे पास एक आंसर हो गया ये अब यहाँ पर देखो बी में रखोगे तो एक बटे वाई तो एक बटे वाई बराबर बी बी का मान हमारे पास है माइनस पंद्रह बटे आठ <coughs> तो वाई बराबर माइनस आठ बटे पंद्रह तो ये हो गया हमारे पास दूसरा आंसर ये हो गया दूसरा आंसर ठीक है हाँ अब देखो क्वेश्चन लोग क्वेश्चन नंबर चार चार में भी दो पार्ट है बोर्ड एग्जाम है अथवा में इसको एक आ, तो से ये करो, करोगे लेकिन यहाँ पे दोनों ही करके दे रहे ठीक है चार चार में है उत्तर आप लोग लिखोगे चार चार में है साठ मीटर ऊंची मीना एक मीनार की चोटी मीनार की चोटी एक च, ए, मीनार की चोटी से मकान के छत तथा तो आधार का अविलंबन कोड पैंतालीस अंश और साठ अंश से उस मकान की ऊंचाई और मीनार की ऊंचाई की दूरी गत कीजिए साठ मीटर ऊंचाई ऊंची एक मीनार तो जो मीनार की ऊंचाई है <coughs> मीनार की ऊंचाई साठ मीटर है साठ मीटर ऊंची एक मीनार तो मीनार की ऊंचाई जो है ये साठ मीटर है और इसके बाद इनका कहना है कि मकान के छत तक तो कोड 45 अंश है तो यहाँ पर तो 45 अंश है यहाँ तक 45 अंश है फिर अवनमन कोड जो है यहाँ तक 60 अंश है यहाँ तक 60 अंश है मकान की ऊंचाई और मीनार से दूरी ज्ञात कीजिए मकान की ऊंचाई, तो मान लिया मकान की ऊंचाई हमारे पास h मीटर है अब देखो यहाँ से टोटल दूरी हमारे पास क्या है टोटल ऊंचाई जो है मीनार की साठ मीटर है तो यहाँ से यहाँ तक एच यह है तो यहाँ से यहाँ तक हमारे पास साठ माइनस एच है ठीक है और दूरी मान ली हमने एक्स मीटर तो ये भी हमारे पास एक्स मीटर तो ये भी हमारे पास एच मीटर ए बी सी डी ई ठीक हाँ तो सबसे पहले आप लोग आ, हल कर लो समझना आप लोग इनका कहना क्या है कि दूरी भी याद कर करके दो इन्हें दूरी भी ज्ञात करके दो ऊंचाई भी ज्ञात करके दो छत मकान की ऊंचाई सबसे पहले जब हम लोग हल करेंगे तो हम लोग लेंगे त्रिभुज <coughs> त्रिभुज ए डी ई e में त्रिभुज ए ने ए बी सी ले लो ए बी सी में ए बी सी में ठीक त्रिभुज ए बी सी में तो टेन पैतालीस लम्बे आर्ट लम्बटे आधार तो ये हो जाएगा हमारे पास टेन पैंतालीस के मान एक बराबर हमारे पास हो जाएगा साठ माइनस एच यक्स तो यक्स बराबर हो जाएगा साठ माइनस एच अब समझना ना त्रिभुज ले लो ए डी ई में ए डी ई में टेन साठ टोटल टोटल लेंगे हम लोग तो टोटल हमारे पास क्या है साठ बटे यक्स टेन साठ का वन अंडर रूट तीन तो यक्स नहीं साठ बटे साठ बटे यक्स ठीक है ये तो है साठ बटे यक्स अब यहां पर हम लोग यहां पर इसको पहुंचा दो इसको यहां पर पहुंचा दो तो यक्स बराबर साठ बटे अंडर रूट तीन अंडर रूट कोई भी संख्या हो ऊपर नीचे घुड़ा किया जाता है ठीक तो ये हमारे पास यक्स बराबर इसे डाल दो समीकरण एक <coughs> यक्स बराबर हमारे पास हो जाएगा साठ अंडर रूट तीन बटे तीन 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 कर तीन तो बीस साठ तो बराबर हम लोग कहेंगे बीस अंडर रूट तीन मीटर तो ये तो हम लोगों का आंसर आ गया बीस अंडर रूट तीन मीटर अब हम लोग क्या करेंगे कि इसे यस का मान समीकरण एक पर रख दो समीकरण एक में रखने पर मान समीकरण एक में रख दो तो इसकी जगह लिखोगे बीस अंडर रूट तीन बराबर साठ माइनस यच एच को इधर ले आओ लेस को इधर ले जाओ तो यह हमारे पास यच बराबर साठ माइनस बीस अंडर रूट तीन ठीक अब यहां पर एक काम करते हैं हम लोग यच बराबर साठ माइनस बीस अंडर रूट तीन का मान एक दशमलव सात तीन दो ठीक तो दशमलव हटा के हम लोग एक दो तीन जीरो एक जीरो से एक जीरो हम लोग कैंसिल कर लेंगे तो यच बराबर साठ माइनस गुणा कर लो दो दूनी चार बचा एक कुछ नहीं दो तिया छ दो सत्तर चौदह बचा एक दो और एक तीन एक अंग दो अंग यहाँ दशमलव लगा दोगे साठ से चौंतीस दशमलव छः चार घटा देंगे हम लोग हाँ तो कहाँ घटा दे यहाँ घटा दे यहाँ घटा दे? देते हैं साठ दशमलव जीरो जीरो चौंतीस दशमलव छ चार तो दस से हमारे पास बचेगा छ और नौ से तीन नौ से पाँच पाँच से दो पच्चीस दशमलव तीन छ तो यच बराबर हमारे पास पच्चीस दशमलव तीन छः मीटर बस दोनों के दोनों हमारे पास आंसर आ गया ठीक है तो इस प्रकार से हमारे पास दोनों के दोनों आंसर हो गया अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग का पांच ठीक तो पांच से पहले चार का अथवा भी है तो चलो शॉर्ट कर लो फिर बताते हैं इसको अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका चौथे का अथवा चौथे का अथवा में क्या है तो आप लोगों का उत्तर उत्तर चार और अथवा ठीक है चार कथों में अस्सी मीटर चौड़ी सड़क तो एक सड़क है जो कि अस्सी मीटर चौड़ी है ठीक है और सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले दो खंबे हैं तो समान ऊंचाई के दो खंबे हैं इस प्रकार से दोनों खंबों की ऊंचाई बराबर है ठीक है और इन दोनों खंभों के बीच सड़क के बिंदु से खंभों के शेखर का उन्नयन कोड साठ अंश और तीस अंश है साठ अंश और तीस अंश है ये अगर साठ अंश है तो ये तीस अंश है ठीक ये तीस अंश है ठीक है तीस अंश है तो खंभों की ऊंचाई और बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए तो देखो यहां पर खंबो की ऊंचाई हमने मान लिया यहां पर खम्भों की ऊंचाई जो है एच मीटर खम्बों की ऊंचाई एच मीटर यहां से अगर ये यक्स मीटर है तो ये अस्सी माइनस यक्स मीटर है तो ए बी सी डी और ई e। अब त्रिभुज ले लो त्रिभुज कौन सा ले लोगे त्रिभुज यहां पर ई डी सी ई में त्रिभुज डी सी ई e में लंबा टा टेन सात तो टेन साठ लम बटे आधार तो यच बटे यक्स टेन साठ का वन अंडर रूट तीन बराबर यच बटे यक्स तो यक्स बराबर हो जाएगा यच बटे अंडर रूट तीन यहाँ पर जाओ त्रिभुज ले लो बी सी ए में या ए सी बी में तो टें तीस लम बटे आधार तो यच बटे अस्सी माइनस यक्स तो एक बटे अंडर रूट तीन तो यच बटे अस्सी माइनस यक्स ये इसे गुणा में पहुंचा दो इसको तो अस्सी माइनस यक्स बराबर एच अंडर रूट तीन यक्स का मान रखो तो अस्सी माइनस यच बटे अंडर रूट तीन बराबर एच अंडर रूट तीन इसको पच्छांतर कर दो तो अस्सी बराबर हो जाएगा एच अंडर रूट तीन प्लस एच बटे अंडर रूट तीन बटे एक मान के भिन्न कर लो तो अस्सी बराबर ये हो जाएगा तीन एच प्लस बटे अंडर रूट तीन इसको गुणा में पहुंचा दो तो ये चार एच तो चार एच बराबर अस्सी अंडर रूट तीन <coughs> चार दुनिया आठ तो एच बराबर बीस अंडर रूट तीन मीटर ऊंचाई तो हम लोगों ने ज्ञात कर ली ऊंचाई तो ज्ञात कर रहे थे ना आपको तो ऊंचाई हम लोगों ने ज्ञात कर ली अब हम लोग दूरी ज्ञात करेंगे <coughs> तो दूरी ज्ञात करोगे ज्ञात करोगे आप लोग तो एक काम करो समीकरण एक तो यच का मान समीकरण कहाँ रख दोगे एक में जब एक में रख दोगे तो यक्स बराबर यक्ष की जगह बीस अंडर उड तीन बटे अंडर उड तीन से तीन कैंसिल तो यक्स बराबर बीस मीटर <coughs> ठीक है अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग पांच क्वेश्चन पांच में है तीन मीटर ब्यास के एक कुएं को चौदह मीटर गहराई तक तो खोदा आता है दो तीन मीटर ब्यास के है? तो उत्तर पांच उत्तर पांच में है तीन मीटर ब्यास तो डी बराबर तीन मीटर तो त्रिज्या हो जाएगी तीन बटे दो मीटर ठीक है चौदह मीटर गहराई तो यच बराबर चौदह मीटर गहराई इससे निकाली हुई मिट्टी को चारों ओर चबूतरे में चार मीटर चौड़ी वृत्ताकार और बलाए तो एक काम करते हैं ये हमारे पास आर वन है आर टू बराबर हो जाएगा तीन बटे दो प्लस चार चार दूनिया आठ तीन ग्यारह तो आर टू बराबर हमारे पास ग्यारह बटे दो मीटर बलाए समान रूप से फैला इस प्रकार से बांध बनाया था इस बांध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए तो बांध की ऊंचाई तो हमने मान लिया बांध की ऊंचाई हमने मान ली एच मीटर अब देखो सबसे पहले जब भी किसी को किसी से बनाया जाता है तो दोनों को बराबर लिखते हैं तो दोनों ही आपके पास कुआ भी बेलन है और बांध जो है इस भी बेलन है तो हम लोग यहां पर लगा देंगे प्रश्न अनुसार प्रश्न अनुसार कुएं का आयतन कुएं का आयतन बराबर बांध का आयतन कुए का आयतन और बांध का आयतन कुए का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच और बांध का आयतन पाई आर वन स्क्वायर माइनस आर टू स्क्वायर खोखला बेलन है ना बांध और बला है ना बला इसलिए तो पाई से पाई कैंसिल आर का मान हमारे पास क्या है यहाँ पर तीन बटे दो का वर्ग एच का मान क्या है हमारे पास चौदह और आर वन का मान हमारे पास क्या है तीन बटे दो यानी नौ बटे चार आर टू क्या है हमारे पास ग्यारह बटे दो यानी एक सौ इक्कीस बटे चार और इस यच की जगह लिखोगे के, कैपिटल यच <coughs> तीन तरह का नौ बटे चार इंटू चौदह बराबर दोनों का एलसीयम बराबर है तो घटा लोगे तो एक सौ इक्कीस से यानी ग्यारह से बचेगा दो यहाँ से एक लोग ग्यारह ग्यारह से बचेगा दो यहाँ बचेगा दस यानी एक सौ दो नहीं एक सो बारह एक बचेगा बटे चार इंटू यच माइनस नहीं लिखेंगे क्योंकि ऊंचाई दूर दूरत्मक नहीं होती ना चार से चार कैंसिल ये आएगा इसके बटे में तो यच बराबर नौ इंटू चौदह बटे एक सो बारह काटो इसको तीन से काटो तीन तरीका नौ नौ से काट सकते नौ एकम नौ और बच्चा आपके पास दो नहीं नौ से तो नहीं काट सकते तीन से काट सकते हैं, तीन नहीं पहले एक काम करते उसको आधा करो तो ये सात और ये पाँच छः छप्पन सात अठे छप्पन तो यच बराबर हम लोग कहेंगे नौ बटे आठ तो यच बराबर आठ एकम आठ बच्चा आपके पास एक दशमलव जुर्म बढ़ाए दस आठ एकम आठ फिर एक दसमलव दो पाँच ये हो जाएगा मीटर भाग लगाओगे जब लगा। ठीक है ये क्वेश्चन हम लोग सेट टू में भी कर चुके हैं हम लोग ठीक है अब देखो उत्तर पांच का अथवा बोर्ड एग्जाम में कोई एक करोगे बार बार कह रहे हैं यहाँ पर हम सभी करके दे रहे हैं बोर्ड एग्जाम में कोई एक करोगे आप लोग ठीक क्लियर पांच का अथवा एक खोखला गोला जिसका आंतरिक एवं बाह्य व्यास चार सेंटीमीटर और आठ सेंटीमीटर है पिघला कर एक शंकु देखो सबसे पहले आर वन बराबर हमारे पास यानी डी वन बराबर चार सेंटीमीटर तो आर वन हमारे पास दो सेंटीमीटर डी टू बराबर हमारे पास आठ सेंटीमीटर तो आर टू बराबर चार सेंटीमीटर ठीक फिर को पिघलाकर शंकु के शंकु जिसके आधार का व्यास आठ सेंटीमीटर है शंकु वाले का तो शंकु का डी जो है वो आठ सेंटीमीटर शंकु <laughs> की त्रिज्या है चार सेंटीमीटर शंकु की त्रिज्या को चाई और वक् पृष्ठ कीजिए तो येल बराबर क्वेश्चन मार्क और त्रिजा कुछाई और वक् पृष्ठ वक् पृष्ठ क्षेत्रों को ज्ञात कीजिए तो जब भी किसी को किसी से बनाया जाता जाता है तो दोनों को बराबर लिखोगे आप लोग तो आप लो लिखोगे प्रश्न अनुसार प्रश्न अनुसार गोले क्या है खोखले गोले ना तो गोली कोष भी कह सकते उसको हाँ तो गोली कोश का आयतन बराबर शंकु का आयतन ठीक <coughs> गोली कोष का आयतन हमारे पास गोले का आयतन चार बटे तीन पाई क्यूब हाँ तो इसी प्रकार हो जाएगा चार बटे तीन पाई आर वन क्यूब माइनस आर टू क्यूब बराबर शंकु का ऐसा होता है एक बटे तीन पाई आर स्क्वायर एच इस तीन से तीन कैंसिल पाई से पाई कैंसिल यहां पर आर वन आर वन हमारे पास क्या जानते हो दो है तो दो का क्यूब माइनस आर टू क्या है हमारे पास चार है तो चार का क्यूब और ये हो गया चार बराबर आर आर हमारे पास क्या है चार तो यहां हो जाएगा चार का स्क्वायर और इन एच <laughs> एक चार से एक चार कैंसिल दो का क्यूब आठ आठ चार चौक सोलह चौको चौसठ बराबर चार इंटू यच, ये घटा लो तो ये हो जाएगा चौदह से छ पाँच छप्पन बटे चार बराबर यच सात अठे नहीं बराबर हम लोग कहोगे कि यच बराबर यार एकम चार फिर एक चार चो सोलह तो ऊंचाई है माइनस में नहीं लिखोगे ठीक है ऊंचाई है माइनस में नहीं लिखोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास ऊंचाई तो नहीं पूछ देंगे ना तो अब हम हम लोगों से पूछा है उन्होंने त्रिजक ऊंचाई तो यल बराबर हमारे पास होता है अंडर रोड में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर तो ये हो जाएगा हमारे पास अंडर रोड में आर का मान हमारे पास क्या है चार चार का वर्ग सोलह और चौदह का वर्ग एक सौ छियानवे तो यल बराबर हमारे पास अंडर रोड में छः छः बारह बचा एक दस और एक ग्यारह बचा एक दो सौ बारह दो सौ बारह का एल ले लो जरा आप लोग दो सौ बारह दो से काटो दो एकम दो 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 छिंग बारह दो पंचे दस दो तीन छः फिर काट नहीं सकते हो किसी संख्या से भी नहीं काट सकते आप लोग तो आप लोग कहोगे कि यहां पर यल बराबर दो अंडर रूट तिरपन मीटर मीटर में सेंटीमीटर में सेंटीमीटर में है तो यहाँ पर सेंटीमीटर ठीक सेंटीमीटर जो जिसका जोड़ा बना लोगे उसको बाहर लिखोगे जो जोड़ा ना बने उसको अंदर लिखोगे शंकु का वक् पृष्ठ शंकु का वक्र पृष्ठ ये होता है पाई आर यल ठीक शंकु का पृष्ठ क्या होता है पाई आर यल तो समझना यहाँ पर पाई को पाई लिखो आर के जगह चार लिखोगे आर के जगह क्या लिखोगे आर के जगह चार लिखोगे यल के जगह लिखोगे दो अंडर रूट त्रेपन तो ये हो जाएगा चार दुनी आठ आठ अंडर रूट त्रेपन पाई वर्ग सेंटीमीटर बस अब तो कोई क्वेश्चन नहीं है तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने आज हम लोगों ने सेट सेवन को भी कंप्लीटली खत्म कर लिया है अब 2023 का कोई भी सेट नहीं बचा है ठीक है कोई भी सेट नहीं बचा है आप लोगों कोई भी क्वेश्चन में डाउट रह जाए आप लोग काम करना कि सेट वन से जैसे मान लो कि बहुत सी स्टूडेंट हमारे क्या है कि कुछ लेट देख रहे हैं वीडियो को लेट ज्वाइन हो पाए हैं तो उनके लिए एक हमारे लिए एक ऐसा हम यही कहेंगे कि जो क्वेश्चन आप लोग देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं जिस क्वेश्चन को डाउट रह जाए आप तुरंत कमेंट मत कीजिए आप उसके कम से कम दस पंद्रह क्वेश्चन को एक क्वेश्चन बना लीजिए अब एक बार में क्वेश्चन एक बार में आप कमेंट कर दीजिए कैसे कि वहां पर आप लिख दीजिए कि सर सेट वन का पाँच नंबर सेट टू का दस नंबर सेट थ्री का ये नंबर वो नंबर ये नंबर वो नंबर हमें नहीं आया है तो हम पर्सनली आपके अकेले के लिए हम एक वीडियो प्रोवाइड करेंगे पर्सनली और आपके लिए ठीक है क्योंकि हम चाहते हैं कि आप लोगों को बोर्ड में बेटर से बेटर तैयारी हो और इसके लिए हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बना के रखे हैं ठीक है बहुत तो से बच्चे जो बच्चे कमेंट सेक्शन में अपना एड्रेस मेंशन कर रहे हैं जो ज्वाइन है ना हमसे एड्रेस में कमेंट मेंशन कर रहे हैं वहां तक हम उस, उनके तक हम पहुंचा रहे हैं बहुत से स्टूडेंट के पास पहुंच चुके हैं आप लोगों को भी जिस बच्चे जिस भी स्टूडेंट के पास मान लो कि अभी तक नहीं पहुंचा है तो वो अपना एड्रेस जो है कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए जिससे कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है जो हमने बोर्ड के लिए तैयार किए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आ सकते हैं वो आप तक पहुँचाया जा सके ठीक है तो सब तक पहुँचा जा रहे हैं आप तक भी पहुँचा दिए जाएंगे तो कोई भी डाउट हो बाकी सब बताई दिया आपने को तो आज से तो हम लोग फ्री हो रहे हैं मैथ में ठीक है और भी अच्छे से तैयारी करेंगे हम लोग अब जो भी हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप तक पहुंचा रहे हैं उसके सॉल्यूशन नहीं भेजा ना हमने तो उसके सॉल्यूशन के लिए आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए ग्रुप में जुड़ जाइए ग्रुप में भेजिए कमेंट में कमेंट कर दीजिए और आप तक पूरा का पूरा आपका समाधान करने की पूरी कोशिश करते हैं कोशिश करेंगे कोशिश करते रहेंगे जिससे कि बोर्ड में अच्छे से तैयारी हो पाए ठीक तो बस इसी के साथ हम लोग आज 2023 को एंडिंग करते हुए मिलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट चीजों में जो भी आप लोगों के डाउट है उस डाउट में ठीक तो आज के लिए इतना ही जय हिंद जय जे भारत तो उस तो स्वस्थ रहिए मस्त रहिए और इस प्रकार से लाइव जब आएंगे तो लाइव भी मिलते रहिए अपना जो भी प्रॉब्लम है उसको शेयर कीजिए तो टिक स्क्रीन